एक्सेसिव सलाइवेशन, प्रोफाउस सलाइवेशन, हाइपर सलाइवेशन, सैलोरिया, एक अधिक थूक बनने की ऐसी स्थिति है जो सामाजिक रूप से व्यक्ति को कमजोर कर देती है। आज हम आपको बताएंगे हाइपर सलाइवेशन को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है, वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हाइपर सलाइवेशन के विषय में या साइलेरिया के विषय में। साइलेरिया या हाइपर सलाइवेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि मरीज के मुंह में हर वक्त सलाइवा भरा रहता है। आज हम आपको बताएंगे हाइपर सलाइवेशन को ठीक करने की, कंट्रोल करने की, मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि हाइपर सलाइवेशन या प्रोपोज सलाइवेशन या सैलोरिया होता क्या है। यह साथियों वह स्थिति होती है जब हमारे बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड्स एक्स्ट्रा सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, लार को बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। इसी स्थिति को हाइपर सलाइवेशन कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। हाइपर सलाइवेशन के तमाम सिम्टम्स होते हैं जिसमें कि मुंह में हर समय सलाइवा बना रहना, और ज़्यादा सलाइवा एक्युमुलेट होने पे सलाइवा बाहर ड्रिबिल करना, इस तरह के तमाम सिम्टम्स होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं। एक्सेसिव सलाइवेशन के कारणों में किसी को डायबिटीज़ होना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई दिक्कत होना, डाइजेशन में कोई दिक्कत होना, कोई भी क्रॉनिक कंडीशन होना, विभिन्न बल्कि मैं कहूँगा कुछ क्रॉनिक कंडीशंस होना हाइपर सलाइवेशन को करने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे हाइपर सलाइवेशन यानी एक्सेसिव सलाइवेशन को कंट्रोल मैनेज क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे न लीजिएगा। चलते साथियों सफ़र पे आपको बताते हैं हाइपर सलाइवेशन को ठीक करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। नंबर एक दवा साथियों जो एक्सेसिव सलाइवेशन की, हाइपर सलाइवेशन की, साइलेरिया की होम्योपैथी में आती है, वह है मर्स सॉल्युबिलिस। मर्स सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। जब किसी के माउथ अल्सर हो, यानी मुंह में छाले हों और एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा हो, मुंह में लाली हो, रेडनेस हो और एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा हो, ऐसी स्थिति में या फिर साथ में मरीज के डिकेड डेंटल डिकेड टूथ हो, डिकेड गम्स हो, उस स्थिति में सलाइवेशन हो रहा हो, वैसी स्थिति में मर्स सॉल्युबिलिस एक कारगर दवा है। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देके मरीज एक्सेसिव सलाइवेशन, हाइपर सलाइवेशन, सैलेरिया के केस में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों, सलाइवा मुंह में भर जाता है और मरीज को उसको बार बार थूकना पड़ता है, वह सलाइवा वाइट होता है, फोमी होता है। तो अगर यह सिम्टम हो कि सलाइवा भर जाता हो, मरीज को स्पिट करने की आदत हो, तो उस स्थिति को ठीक करने के होम्योपैथी में दवा आती है लाइसिन। लाइसिन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है जिनको कि सलाइवा मुंह में भर जाता है, कुमलेट हो जाता है और उसको बार बार स्पिट करने की टेंडेंसी होती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को टॉन्सिल्स हो गए, उनको सलाइवेशन बहुत हो रहा है, प्रोफाउस हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, सैलोरिया है।
अगर यह स्थिति हो कि एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा हो, टॉन्सिलाइटिस का केस हो, तो उस स्थिति में हाइपर सलाइवेशन या एक्सेसिव सलाइवेशन या प्रोफाइल सलाइवेशन को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है बराइटा कार्बोनिका। बराइटा कार 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। टॉन्सिलाइटिस के केस में एक्स्ट्रा सलाइवा बनने के और उस केस में भी कारगर है जब मरीज रात में सोते समय उनके मुंह से सलाइवा साइड से निकलता रहता है। यह दवा उस स्थिति में हाइपर सलाइवेशन को ठीक करने में मदद करती है। एक स्थिति आती है जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, नए दांत निकल रहे होते हैं या टूथ का इरप्शन हो रहा होता है, उस वक्त उनके सलाइवेशन बहुत होता है। अगर वैसी स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सैलिसिया। सैलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। इस दवा से मरीज को एक्सेसिव सलाइवेशन में लाभ मिलता है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को माउथ में अल्सर है, मुँह लाल हो गया है और जलन मुँह में हो रही, सलाइवा है वो जलन कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति हो हाइपर सलाइवेशन की तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है बोरेक्स। बोरेक्स 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा सर एक्सेसिव सलाइवेशन को भी कम करती है, माउथ की रेडनेस को भी ख़त्म करती है, टंग की रेडनेस को भी ख़त्म करती है और माउथ अल्सर्स को भी ठीक करती है। एक स्थिति आती है कि टंग में वाइट कलर की कोटिंग जमा हो गई है, टंग में वाइट कोटिंग है, उसमें बम्स आ गए हैं जो वाइट हैं टंग में और मरीज को एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, तो अगर यह स्थिति हो साथी हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है काली आयोडेटम। काली आयोड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। इस दवा से मरीज को लाभ मिलेगा, उनकी वाइट कोटिंग जो टंग की वह ख़त्म होगी, जो एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है वह भी ठीक होगा। एक स्थिति आती है मरीज को टॉन्सिल्स हुए हों, उनमें वाइट कोटिंग हो गई हो और बदबू आ रही हो, अगर यह स्थिति हो और हाइपर सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन, प्रोफाउल सलाइवेशन, साइलोरिया हो रहा हो तो उस स्थिति को ठीक करने की दवा है आयोडम। आयोडम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर हाइपर सलाइवेशन के केस में ली जा सकती हैं। जबकि टॉन्सिल्स में वाइट कोटिंग हो गई हो, मरीज दुबला पतला हो, मरीज का वेट लॉस हो रहा हो, यह दवा ऐसे केस में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि थ्रोट में सोरनेस आ गई हो, रूखापन खराश ऐसी आ गई हो और पेशेंट को बहुत एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा हो, तो अगर साथियों यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है मर्कॉर्नोटम। मर्कॉर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा सोर थ्रोट के केस में एक्सेसिव सलाइवेशन को ठीक करने में हेल्प करती है। एक स्थिति आ गई है कि माउथ में सूजन आ गई है, जिसको कि स्टोमेटाइटिस कहते हैं, माउथ में सूजन आ गई है और जलन हो रही है, वैसी स्थिति है और एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, तो यदि ऐसी स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एसिडम नाइट्रिकम। एसिडम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा एक्सेसिव सलाइवेशन के केस जिसमें माउथ में रेडनेस आ गई हो उसे लाभ देगा। एक स्थिति आती है साथियों, एक्सेसिव सलाइवेशन बनता है मम्स के केस में, किसी को मम्स की दिक्कत हो, पैरोटिड ग्लैंड में उनके सूजन आ गई हो, स्वेलिंग आ गई हो और उनके सलाइवेशन बहुत बन रहा हो, यदि ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है नेट्रम्यूरेटिकम। नेट्रम्यूर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दी जा सकती है। यह दवा ऐसे केस में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है, इतना सलाइवा बन रहा हो कि मरीज बात ना कर पा रहा हो, एक्सेसिव सलाइवेशन हो, बार बार मुंह में भरा जा रहा हो और वो बात ना कर पा रहा हो, तो यह स्थिति अगर सलाइवेशन की है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है लेकेसिस। लेकेसिस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दी जा सकती हैं। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि सोर बेल्चिंग यानी खट्टी डकारें हो और सलाइवा बहुत बन रहा हो, तो अगर हाइपर सलाइवेशन हो और खट्टी डकारें आ रही हों तो उस स्थिति को ठीक करने की, खट्टी डकारों को ठीक करने की और एक्सेसिव सलाइवेशन को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एसिटम एसिडिकम। एसिटम एसिडिकम 30 पावर में 2-2 बूंद में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा एक्सेसिव सलाइवेशन और हाइपर एसिडिटी दोनों को ठीक करेगी।
एक स्थिति आती है साथियों की, हेडेक भी हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो और जो सलाइवा आ रहा हो बड़ा रोपी हो, उसको तार की तरह आप खींच सकते हो। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है आयरिस वेसिकुलर। आयरिस वेसिकुलर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा हेडेक को भी ख़त्म करती है, हाइपर सलाइवेशन को भी ख़त्म करती है अगर वह रोपी फॉर्म में है। एक स्थिति आती है साथियों, जैसे ही ज़्यादा भोजन करा तुरंत मुंह में सलाइवा आने लगा, तो अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की दवा है एलियम सेटाइवम। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे केस में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, वाइट फोमी सलाइवा बन रहा हो और उनको तार की तरह फर्श तक, व्यक्ति के होंठ से तार की तरह फर्श तक छू रहा हो, अगर उस तरह का सलाइवा है, हाइपर सलाइवेशन है, तो उस स्थिति को ठीक करने की दवा है एसिड पिक्रिनम। एसिड पिक 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा से मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि सॉल्टी सलाइवा है, सलाइवा है और वह सॉल्टी है, नमकीन है, अगर इस तरह के टेस्ट का हाइपर सलाइवेशन है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है साइक्लामेन। साइक्लामेन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि हाइपर सलाइवेशन है और बहुत खट्टा सलाइवा, सोर सलाइवा, जो लार बन रही है, जो थूक बन रहा है वह बहुत खट्टा है, तो अगर वैसी स्थिति है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है या सोर सलाइवा को ठीक करने में मदद करती है। एक स्थिति आती है साथियों हाइपर सलाइवेशन के केस में कि सलाइवा में कोई टेस्ट नहीं है, मरीज को इतनी कमजोरी आ रही कि वह बेहोश हुए जा रहा है, तो अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है विरेट्रम एल्बम। विरेट्रम एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। जब टेस्टलेस सलाइवा हो, मरीज को कमजोरी बहुत लग रही हो और मरीज को बहुत ठंडा उनका शरीर हो, पसीना बहुत ठंडा आ रहा हो, अगर यह स्थिति हो तो विरेट्रम एल्बम ऐसी स्थिति में ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों, इतना सलाइवा बन रहा है पर सलाइवेशन है कि रात में तकिया गीला हो जाता है, थूक से तकिया गीला हो जाता है, तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सेंक्रिस्कोन। सेंक्रिस्कोन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है जब तकिया गीला हो जाए थूक निकलने से मुंह से रात में। यह दवा वैसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि मीठा सलाइवा, स्वीटिस सलाइवा हो, तो अगर यह स्वीटिस सलाइवा है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कैमोमिला। कैमोमिला 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है स्वीटिस सलाइवा के केस में। यह ऐसी स्थिति में लाभ देती है। एक स्थिति साथियों आती है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सलाइवा आ रहा हो, तो अगर यह स्थिति हो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सलाइवा आ रहा हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है क्रियोजोटम। क्रियोजोट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह एक संभावित दवा है जो प्रेगनेंसी के केस में एक्सेसिव सलाइवेशन, हाइपर सलाइवेशन, प्रोफाउ सलाइवेशन, साइलोरिया के केस में मदद करती है। एक स्थिति आती है कि इतना सलाइवा बन रहा है कि हर समय थूकने का मन करता है, तो अगर कॉन्स्टेंट स्पिटिंग हो और हेडेक हो पेशेंट के, तो उस स्थिति को ठीक करने की दवा है इपीफेगस। इपीफेगस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी हाइपर सलाइवेशन की, प्रोफाउ सलाइवेशन की, एक्सेसिव सलाइवेशन की, सैलोरी की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। यह लंबा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट पोर्शन में लिखिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो, वीडियो बड़ी मेहनत से बनता है, तो अगर आप इसको ज़रूरतमंद तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तो आपका मैं आभार यूं भी करता हूं क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इसको ज़रूरतमंद लोगों को बढ़ाया। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।